हेलो गेमर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 25। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने गाइस इस बहुत बड़े फार्म का टेक ओवर कर लिया है अपने ग्रैंडफादर से। अभी हम इस पूरे बड़े से फार्म के मालिक है। अपने पास टोटल यहाँ पे 3 से 4 फील्ड्स है, जिसमें से हमने जो सबसे आखिर में आपको फील्ड दिखाई दे रही है उस फील्ड में से हमने व्हीट निकाला था और उसको बेचा था। एंड अभी अपने पास ना गाइस एक और फील्ड अवेलेबल है जिसका नाम आई गेस कोनोला है या कानोला, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आता है गेस। हाँ ये देखो यहाँ पे इसका नाम लिख के आ रहा है, कैनोला है ये। एंड ये रेडी टू हार्वेस्ट है, तो मैं इसको हार्वेस्ट कर सकता हूँ, फिर हम इसको हार्वेस्ट करके बेचेंगे। लेकिन ये चीज़ करने से पहले ना गाइज मैं ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि अभी देखो अपने फार्म के अंदर बस एक ही फार्म है एंड अभी मेरे को बाकी की भी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि हे बिलिंग कैसे करते हैं या यू नो कल्टीवेशन फर्टिलाइजर कैसा करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको चीज़ें सीखनी है। दैट्स वाई हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आज करेंगे। तो यहाँ पे हमको आना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे कि ये जो है यहाँ पे जाके हमको बेल रैपिंग करने का है और जिसका हमको मिलेगा कितना मिलेगा, ओनली 360 रिवॉर्ड मिलेगा बेस की, बिकॉज आई गेस काफ़ी छोटा सा फील्ड है यार, एटलीस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला फील्ड चाहिए। ओके ये वाला फील्ड आई गेस थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये फील्ड का साइज है लगभग 0.49 आई गेस एच ए मतलब हेक्टर्स होता है, ये 0.49 हेक्टर्स एकर्स में कितना होता है मेरे को पता नहीं, बट यहाँ पे हमको ये वाली फील्ड है, यहाँ पे हमको क्या करने का है, यहाँ पे भी हमको बेल रैपिंग करने का है एंड हमको यहाँ पे मिलेंगे रिवॉर्ड $1400। लेकिन ये जो मशीन्स है अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हमको ये मशीन्स लीज पे लेनी पड़ेगी, यानी भाड़े के पे भाड़े पे लेनी पड़ेगी। और अगर मैंने यहाँ पे लीज पे लिया तो हमारे $400 और कट जाएंगे, मतलब हमको ओनली $1040 मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स है, कल्टीवेटिंग का जॉब है, यहाँ पे हमको ये फील्ड जाके कल्टीवेट करनी पड़ेगी और इसके लिए ये सारे चाहिए होंगे टूल्स और काफ़ी सारे जॉब्स है ये। फिर यहाँ पे ये डेडवुड नाम का जॉब है, आई गेस यहाँ पे जाके लकड़ी काटनी है क्या, भाई साहब मैं भी लकड़ी काटनी है और ये अलग सा ट्रैक्टर है, भाई कितने सारे जॉब्स हैं। तो इनमें से भी हमको एक जॉब करना है, तो मेरे को लग रहा है ना गाइस हम लोग वो जो 1400 वाला जॉब है ना, अब देखो हमको फर्स्ट जॉब करना है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस जॉब जो कि हमको बेल रैप करने का है। आई डोंट हैव एन आइडिया कैसा होता है, बट इसको मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको आइटम्स बोरो करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बोरो आइटम्स के मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी ये आइटम्स बोरो हो चुके हैं। बट ये मशीन्स मेरे को कहाँ पर मिलेंगी, मैप में आई गेस, आई गेस यहाँ पे गाइस, नहीं मैं यहाँ पे हूँ, बट ये फिर व्हीकल्स, वो आई गेस इधर शॉप है, तो मे बी मेरे को यहाँ पे मिलेगा। मैं सीधा इसको यहाँ पे एंटर व्हीकल कर सकता हूँ मैं। वाओ गाइस, और ये अपना ट्रैक्टर नहीं है, ऑब्वियसली हमने लीज पे लिया है, तो अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे फील्ड नंबर 35 पे। भाई क्या मस्त लग रहा है ट्रैक्टर। वैसे इसका हॉर्स पावर कितना है पता नहीं, यहाँ पे लिखा तो होगा कलहास 410 एरियन नाम है इस चीज़ का। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स गो गाइज। मैंने अभी बेल रैपर को इससे कनेक्ट कर दिया है एंड अभी हमको जाना है फील्ड नंबर 35 पे। एक बार हमको मैप ओपन करके देखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा मैप है। सो फील्ड नंबर 35 भाई काफ़ी दूर है और हमको यार नदी पार करके जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँगा नदी पार करके। ओके मुझे आगे सामने से राइट लेने का है एंड मे बी एक बीच में शिफ्ट नज़र आ रही है, मे बी हम लोग वहाँ से जाएंगे, लेट्स सी गाइज। हम लोग अभी फर्स्ट टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब कर रहे हैं तो मज़ा आएगा। हमको यहाँ से अभी लेफ्ट लेने का है एंड सामने की तरफ मुझे एक बहुत बड़ी ग्रेन मिल नज़र आ रही है एंड लोग एक्चुअल में गेम के अंदर है वो देखो कोई चल रहा है, एक बार जाके उससे बात करें। ए मे बी मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, आई डोंट नो। हेलो मैम, हाउ आर यू? ओ माई गॉड, मुझे लगा वो गायब हो गई है। अरे नाम क्या है तेरा, मतलब मैं आपका नेबर है, पता नहीं भाई इधर के लोग अजीब है यार, बातें भी नहीं करते, मतलब नॉर्मल एटलीस्ट हाय हेलो तो होना चाहिए था। बट भाई ये ट्रेन आने से पहले इधर से निकल लेते, अगर इनके ट्रेन आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड वो देखो सामने की तरफ हमको नज़र आ रही है अपनी नदी और वहीं पे कहीं पे आएगा हमको बोट से ट्रैक्टर लेके जाना है। बट मैं बोट से ट्रैक्टर लेके कैसे जाऊँगा, उसके ऊपर चढ़ाने का है क्या? ये ऐसा ही करने का है कुछ, ध्यान से भाई ध्यान से, काफ़ी महंगा मशीन है और ये अपना भी नहीं है भाई, लीज पे लिया है तो हमको इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा। तो हम लोग आ चुके हैं एंड वो रही गाइस नदी और वो नदी में एक बोट नज़र आ रही है, तो मुझे लग रहा है ना हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, बट हाउ कैसे करूँगा मैं। ओ यहाँ पे स्टार्ट फेरी, ओके यहाँ पे लिखा आ रहा है आर से स्टार्ट फेरी, तो अभी फेरी यहाँ पे आगे से आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो आ रही है क्या, दिखाई तो नहीं दे रहा, मे बी वो आ रही है, आई गेस आ रही है गाइस, आ रही है फेरी यहाँ पे आ रही है, तो हमको इधर फेरी का आने का वेट करना पड़ेगा। बहस की दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या मैप में, आई मीन आर यू सीरियस? हाँ यार दूसरा, वैसे एक रास्ता था ब्रिज से ही हम लोग जा सकते, बट यार वो काफ़ी यू नो घूम के जाना पड़ता, अभी तो सबसे पास वाला फेरी में ही है।
अगर दूसरे साइड के मिशंस करने होंगे तो आई गेस हम लोग उन रोड्स का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए फेरी से जाना पड़ेगा। नहीं ये देखो फेरी आ चुकी है, उसका आवाज़ भी आ रहा है भाई, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। और आसपास यहाँ पे लोगों के हाउसेस भी है, वैसे यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे ना कोई स्टेशन मास्टर ऐसा कुछ होना चाहिए था। एंड अच्छी बात तो यह है यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह आई गेस नहीं कटते, या कट गए पैसे पता भी नहीं मेरे को। अब ये फाटक खुल जाएगा, खोल दो बे। यस फाटक खुल चुका है गाइस, एंड अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं। ध्यान से भाई, एकदम ध्यान से, नया मशीन है। अभी इसको स्टार्ट कैसे करूँगा मैं फेरी को भाई? ओके वापस आर दबाना है, आर टू स्टार्ट फेरी। तो ये वापस देखो फाटक बंद हो गया है, अभी ये शुरू हो जाएगी। ओह भाई साहब, एक बार इधर से इसका केबिन के अंदर जाके देखते हैं। ओके हम लोग जा नहीं सकते, और पानी के अंदर भी मैं जा नहीं सकता, जो कि अच्छी बात है। इनके से अगर मे भी ट्रैक्टर भी नहीं जा पाएगा पानी के अंदर। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई। आई शपत कैसे क्या हो रहा है? ओ माय गॉड गाइस, मैं गलती से नीचे गिर गया। मेरे को लगा मैं नीचे गिर नहीं जाऊंगा, एक सेकंड थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, नहीं तो ये फेरी मेरा कचूमर बना देंगी। ओके आई गेस मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ, प्लीज़ बता दो मैं जा सकता हूँ। अबे ये क्या हुआ? ओके ठीक है कोई नहीं, अभी आगे से फाटक खुल जाएगा यहाँ से, जैसे फेरी आ जाएगी खुल जाएगा नहीं ऑटोमेटिकली। मैं भाई गलती से पानी के अंदर गिर गया, बट एनीवेज बस ये फाटक खुल जाए यहाँ पे। ओके खुल गया, नाइस। तो अभी हम लोग जा सकते हैं वापस से और अपना ट्रैक्टर लेके फील्ड नंबर 35 पे निकल लेते हैं। ओके लेट्स गो गाइस, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। एक बार मैं मैप वापस चेक कर लेता हूँ 35 फील्ड कहाँ पे। तो हमको जाने के लिए ओके जो सामने वाला इधर का लेफ्ट वाला रास्ता है उसी से जाना पड़ेगा, और सामने ही फील्ड है या तो उसी रास्ते से निकल लेते हैं। एंड देखो यहाँ से स्कूल बस वगैरह भी जा रही है, बट या इस रास्ते से चढ़ पाएगा क्या, क्योंकि इसका हॉर्स पावर आगे ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स सी। कम ऑन, ओ भाई ये चढ़ नहीं रहा है। ओके धीरे धीरे, अगर यार कम हॉर्स पावर का अगर ट्रैक्टर होगा एंड अगर मैं पीछे कुछ बड़ी चीज़ लेके जा रहा हूँ तो भाई यहाँ पे ना ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, मे बी एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें गेम के अंदर होती है, क्योंकि एकदम रियलिस्टिक चीज़ों से इंस्पायर्ड गेम है। जैसा रियल ट्रैक्टर होता है उन्हीं के सारे फंक्शंस डाले गए, बट हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको कवर कर लिया है। एंड ओह आई गेस वो जो गाइस सामने फार्म दिखाई दे रहा है हमको, मे बी वहीं पर जाने का है। ये देखो फील्ड नंबर 35 दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं दूसरे के फार्म से जा सकता हूँ ना? वैसे यार इसका फील्ड ख़राब हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? हमको अभी बस इसको उठाने का है, बट ये अपना पहला जॉब है। आई डोंट हैव एनी आइडिया ये कैसे काम करता है, बस हमको रैप करने का है ना। एक्स दबाने से अपना बेल रैपर गाइस अनफोल्ड हो जाएगा। हाँ ये देखो अनफोल्ड हो गया, एंड आई गेस अभी मैं डायरेक्टली इसको शुरू कर सकता हूँ। हाँ और मैं अगर सीधा इसको यहाँ पे चालू कैसे करूँगा, बट आई गेस ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। और मुझे ट्रैक्टर इसके ऊपर से नहीं लेके जाना, इसके आगे साइड से लेके जाने का है। ओके भैया देखो ये इसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा क्या? एकदम प्रॉपर सीधा उठाना पड़ेगा क्या भैंस की? आई डोंट नो। हाँ ये देखो हो गया, तो अब ये शुरू हो। लेट्स गो गेमर्स, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैप कर रहा है इस चीज़ को। आई गेस रियल लाइफ में भी ऐसे होता होगा। तो टोटल हमको चार पीसेस रैप करने हैं, एंड ये ऑटोमेटिकली कट भी हो गया भाई। देखो अभी हमको बस दूसरा उठाने का है, और इसी तरीके से हमको अपने खुद के फार्म के अंदर भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी गाइस। मतलब ये चीज़ें हम लोग बस सीख रहे हैं, ताकि हम लोग जब ये नया मशीन बाय करें तो हमको भी सेम चीज़ करना पड़ेगा। ये दूसरा भी हेबेल आ गया, तब तक मैं एक और हेबेल के पास निकल लेता हूँ, तो ये तब तक रैप होता रहेगा। एंड हम लोग ना ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अपना जो AI वर्कर है वो ग्रास को कट करेगा, पीछे ग्रास रहेगी, फिर मैं एक ट्रैक्टर से या एक और AI वर्कर से मैं उस ग्रास के हेबेल बनाऊंगा, एंड देन मैं पीछे ये गाड़ी लेके आऊंगा। मतलब एक बार में ही तीन चार चीज़ें हो सकती है इस गेम के अंदर बिकॉज ऑफ AI वर्कर्स, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। एंड ये जॉब है मैं आगे AI वर्कर को दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे अगर एज दबा दिया तो वो ऑटोमेटिकली जॉब कर लेगा, मतलब दूसरे के फार्म के भी वो जॉब कर सकता है भाई। ये तो सही बात है, बट पैसे भी हमको पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे ना, मतलब थोड़े से ही मिल रहे पैसे। एंड अभी आखिरी बस बच्चा है जो कि इस तरफ है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, एंड ये अपना जॉब कंप्लीट हो जाएगा भाई। काफ़ी इजी और मस्त सा जॉब था ये, सीरियसली मज़ा आ गया इसको करके, क्योंकि काफ़ी छोटा सा जॉब था, हमको ज़्यादा पैसे भी नहीं मिले। एंड इसको भी उठाते हैं, एंड अगर आई गेस बड़ा जॉब होगा ना गाइस तब लोग ना तब हम लोग AI वर्कर का डेफिनेटली यूज़ करेंगे। अब एक बार मैं पीछे से देखता हूँ, देखो वो दिखाई भी दे रहा है कहीं से रैप हो रहा है। और अगर हम लोग ट्रैक्टर के अंदर से मतलब व्यू लेते ना, तो देखो बाहर का ट्रैक्टर का आवाज़ बिल्कुल नहीं आता। अगर बाहर से चेक करते तो देखो कितना आवाज़ आ रहा है। एंड आई गेस अपना जॉब कंप्लीट हो चुका है, डन, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश गाइस। तो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने के बाद क्या करने का मेरे को? जॉब तो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है, बट हम पैसे कैसे कलेक्ट करेंगे? ओके स्पेस टू कलेक्ट, तो ये कलेक्ट हो जाएगा।
और ये मशीन गायब होगी यहाँ से, अभी मैं कैसे जाऊँगा? ओके मैं जा सकता हूँ, आई गेस टैब दबाने से मैं सीधा हाँ व्हीकल के अंदर मैं एंटर कर जाता हूँ। ये बढ़िया चीज़ है, हम लोग ना सीधा टैब दबाने से हर एक व्हीकल के अंदर से शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी व्हीकल से मेरे को याद आया, अभी हमको ये जो हार्वेस्टर है इसको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमको जो कोनोला है उसको हार्वेस्ट करने का है गाइस। सो वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट द कोनोला। एंड हम लोग ना गाइस इसमें ना अभी GPS का यूज़ करने वाले, ठीक है? मतलब अभी देखो मैं आपको ना एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो एज दबाने से, एज को होल्ड करने से GPS ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं स्टेयरिंग असिस्टेंस ले सकता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे पूरा बॉर्डर आएगा मेरे को कौन सा पार्ट कब कट करना है। अभी फील्ड के अंदर गाइज लाइन्स शो होना शुरू हो चुकी है, तो मैं ना एग्जैक्टली इसके बीच से अपना हार्वेस्टर चला सकता हूँ, जो कि अभी यहाँ पे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है बीच वाली, तो उसको एक बार फॉलो करते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली जो व्हाइट लाइन है उसके बीच से हमको हार्वेस्टर चलाने का है। तो मैं एक बार इसको प्रॉपर शेप में लेके आता हूँ, एंड देन अभी हम इसको शुरू करेंगे। हार्वेस्टर को शुरू करने के लिए भी दबाना है। ओके हमको इसको सबसे पहले अनफोल्ड करना पड़ेगा। ओके हाँ, अनफोल्ड द हार्वेस्टर, हाउ डू आई अनफोल्ड? एक्स दबाने से अनफोल्ड हो जाएगा। हाँ भाई, सबसे पहले इसका ऊपर वाला पार्ट खुलना चाहिए, क्योंकि एक कनोला निकालने का है। एंड अभी हम लोग इसको नीचे कर सकते हैं, एंड अभी देखो ये ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब उस लाइन से। लेट्स गो गाइज। अभी जो आपको गाइज ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, मुझे बस इसी लाइन से अपना हार्वेस्टर चलाना है और ये ऑटोमेटिकली फील्ड हार्वेस्ट हो जाएगा। देखो बाहर से भी नज़र आ रहा है, पहली लेन को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। और इसको वापस ऊपर करते हैं, एंड अभी हम लोग वापस से इसी लाइन को फॉलो करेंगे, जो कि अभी इधर की लाइन है, ठीक है? हाँ, इसी लाइन को फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली इसके बीच से लेके जाएंगे। इससे ना गाइज काफ़ी हेल्प हो रहा है हमको, हम लोग ना फिर गलत जगह पे इसको निकालेंगे नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे नहीं, जहाँ पे हमको लाइन दिखाई दे रही है बस वहीं से हार्वेस्ट करने का है। भाई एकदम मस्त सा लग रहा है ये। और मैं ना काम कर सकता हूँ, इस ये वाला जॉब अपने वर्कर को दे सकता हूँ मे बी मैं, एंड मैं ना पीछे से आई गेस, बट इसका हेबेल बनता नहीं है क्या? हाँ यार, इसका हेबेल बनता नहीं है। या फिर ना पीछे से मैं कल्टीवेटर लेके आ सकता हूँ, तो अपना यू नो इसका भी काम हो जाएगा, हार्वेस्टिंग का भी काम हो जाएगा, एंड कल्टीवेशन भी हो जाएगा। हाँ वो भी मैं कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम लोग खुद से ही करेंगे, बिकॉज भाई छोटा सा ही फील्ड है, क्या ही टाइम लगेगा इसको करने में। और वैसे भी हार्वेस्टर काफ़ी छोटा है, अगर बड़ा हार्वेस्टर होता तो यार हम लोग एक साथ ना बहुत सारा एरिया कवर कर पाते हैं। एक बार अंदर से चलाते हैं, अंदर से इसका व्यू एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। देखो ना, मतलब प्रॉपर ये मशीन भी हिल रही है, एकदम ऐसा लग रहा है मैं रियल हार्वेस्टर के अंदर ही बैठा हूँ। यहाँ से अपना फार्म नज़र आ रहा है, और अपने ना काउच के लिए भी मेरे को खाना वगैरह लाना है, पानी लाना है, क्योंकि यार अब तक मैंने उनको खाना दिया है ना पानी दिया है, वो लोग जिंदा तो रहेंगे ना भाई, मुझे वो भी बतानी है, मुझे उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बट अभी सबसे पहले इस कोनोला को हार्वेस्ट करते हैं। ये देखो और ऑलमोस्ट इधर का हो गया, मतलब साइड बॉर्डर तो ऑलमोस्ट उसकी कंप्लीट हो चुकी है, एंड ये भी हो जाएगा ऑलमोस्ट। और अंदर कनोला ब्लैक होता है क्या? वो ये ब्लैक होता है। ओके ठीक है, तो ये लाइन हो गया। अभी वापस हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, एंड वापस से उस येलो लाइन से चलाएंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से, यस। तो ऑलमोस्ट गाइज इसका जो साइड वाला पूरा एरिया है हमने उसको पूरा हार्वेस्ट कर दिया है, पूरा एकदम स्क्वायर में। अभी बस अंदर वाली लाइंस बची है, और अंदर वाली लाइंस के लिए आई गेस उन्हीं लाइन से काम करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे ये अभी अलग बता रहा है, इधर से बता रहा है ये। वैसे मैं सीधा भी कर सकता हूँ, मैं यार सीधा ही करूँगा इसको, सीधा ही मेरे को बेटर लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा वापस इसको नीचे करते हैं, मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये चेंज नहीं, ओके होगा, नो वरी। बट ये हमको इधर से बता रहा है इस तरीके से, ये वाली लेन, बट पता नहीं हम लोग इधर से ही जाएंगे, मेरे को ये बेटर लग रहा है। अब ये बीच से क्यों जा रहा है बे? अबे मेरे को तो इधर लेना था। ओके गाइज, मैंने लेन को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे ना एक्टिवेट लेन का भी ऑप्शन है, मतलब मेरे को बस ना अभी थ्रॉटल पे पैर रखने का है, स्पीड पे बस, बाकी ये ऑटोमेटिकली ड्राइव कर रहा है। वो जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये उस लाइन को ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। मेरे को बस गैस पे मतलब पावर रखना है, या मे बी यू नो W पे बस दबा के रखना है, ये ऑटोमेटिकली उस लेन में ऑटोमेटिकली चल जाएगा। दैट्स वाई ये लेन्स इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, अभी मैं वापस इसको घुमा देता हूँ। अभी कौन सी लेन चाहिए मैं? ओके अभी इसी लेन में चलते हैं, ठीक है? हाँ यार, अभी ऐसा जैसा बोल रहे वही साइज काम करता है, ठीक है? इसको ज़्यादा पता है मेरे, मतलब मेरे को क्या पता भाई। तो हम लोग यही चीज़ करेंगे। और पंछी वगैरह भी घूम रहे, पंछी भी घूम रहे गाइस इस गेम में भाई, सही है। आई जस्ट सीरियसली लव दिस गेम। वापस से लेन को एक्टिवेट करते हैं। लेन को एक्टिवेट करने के लिए एज दबाने का है, देखो। और जैसे ही लेन एक्टिवेट हो जाती है, वो जो बीच वाली लाइन है ना, वो ग्रीन हो जाती है, जो कि बेटर चीज़ है मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट हमने पूरी फील्ड कंप्लीट कर ली है भाई, बस थोड़ा सा उधर का पार्ट बचा है, वो भी आगे हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोल रहा है 65% कंप्लीट हो चुका है। अभी इनमें से हम लोग कौन सी लेन फॉलो करेंगे?
मुझे लग रहा है ना सीधी वाली लेन ही फॉलो करते हैं, नहीं सीधी नहीं, ये जो साइड वाली है ना उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है अभी देखो यहाँ पे लेन एक्टिवेट हो जाएगी। ओके वाइट लाइन पे लेके आना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये GPS को चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। अब देखो अभी यहाँ पे लाइन है, अभी हमको एज दबाना है, लेन एक्टिवेट हो गई, कल्टिवेटर को नीचे लेके आना है, आई मीन हार्वेस्टर को, एंड बस चालू रखो इसको। और पीछे का थोड़ा पार्ट रह गया, डोंट वरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा बचा है तो हम लोग बाद में उसको कवर कर लेंगे। और मुझे लग रहा है मुझे इसको अभी दो बार और चलाना पड़ेगा, बट जो हमको GPS बता रहा है ना उसी के हिसाब से हमको एक काम करना चाहिए। बट ये थोड़ा सा ना ऐसा रोबोटिक फील आ रहा है, मतलब ऐसा रियल फार्मर की तरह फील नहीं आ रहा कि हमको जहाँ पे GPS बता रहा है हम लोग वहीं पे इसको चला रहे हैं। बट देखो अपना इनिशियल डेज है, दैट्स हम लोग नॉर्मल ही काम करेंगे जैसा हमको बताया जा रहा है, इजी रहेगा अपने लिए। अगर मैं खुद से करता तो भाई मतलब जगह जगह पे कोने कोने पे कुछ ना कुछ छूट जाता, फिर मेरे को वापस आना पड़ता, वो अनॉइंग रहेगा और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। दैट्स वाई अभी सीधा इधर की लेन फॉलो करेंगे हम लोग, इधर की लेन, इधर की नहीं आई गेस उसके साइड की लेन फॉलो करते हैं, इसको वापस पीछे लेके आते हैं, एंड दे गो। अभी इधर अपना ऑन करना पड़ेगा वापस से लेन, एक्टिवेट द लेन, एंड इसको नीचे करो वापस से, डन। अरे एक सेकेंड, एक्टिवेट नहीं हुआ भैंस की, अभी एक्टिवेट हुआ है, हो जा। हाँ नाइस, ओ माय गॉड। एक बार अंदर से व्यू चेक करते हैं, अगर आप अंदर से यहाँ पे देखोगे ना ये कोनोला देखो पूरा अंदर फुल हो चुका है। हाँ और अभी मेरे को ना कोई चिंता नहीं है इधर उधर ट्रैक्टर जाने की, हार्वेस्टर जाने की, अभी मैं बस इसके थ्रोटल के ऊपर पैर रख के बस काम चला सकता हूँ अपना। बस AI वर्कर का भी ऑप्शन चाहिए था यार, मुझे नहीं लगता यहाँ पे AI वर्कर का ऑप्शन है हार्वेस्टिंग करने के लिए, हमको मैं भी खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये भी लेन कंप्लीट हो गया, एंड अभी काम करते हैं, थोड़ा सा ना उधर बचा है तो उसको भी मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, बाद में यहाँ पे क्यों आना बे। तो ये भी हार्वेस्ट हो जाएगा, हो गया, एंड अभी इधर भी थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसको भी हार्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस, एंड डन। और अभी इसको वापस ऊपर लेके चलते हैं, एंड ऑलमोस्ट अभी हो ही जाएगा, थोड़ा सा ही बचा है। और यहाँ पे आई गेस लेन को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चला सकता हूँ, इतने में क्या भाई लेन एक्टिवेट करना, थोड़ा सा ही बचाइए। सो ये हो जाएगा अभी ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे तो ओनली 74% बता रहा है ये, आई गेस अंदर कितना आया है इसका ये बता रहा है, मतलब अपना हार्वेस्टर के अंदर ये हार्वेस्टर कितना फुल हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन आया गेस ये, मे बी उसी का है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तो भाई पूरा फील्ड हमने हार्वेस्ट कर लिया है फिर भी 74% ही बता रहा है, पता नहीं, देखते भाई। देखो ये कैसे छोटा सा पार्ट छूट गया है भैंस की लकड़ी, वापस आना पड़ेगा उसके लिए, बट वी डिड इट गाइज, यस ओन यूज। ये हमारा नया अचीवमेंट अनलॉक हो गया, यानी अभी बस थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, वहाँ पे लेके चलते हैं, एंड हो गया, डन, लेट्स गो गाइज। हमने पूरा कनोला हार्वेस्ट कर लिया है भाई साहब, एकदम मस्त भाई। अभी ये असिस्टेंट में ऑफ कर देता हूँ, एज दबा के रखना है, एंड इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी ये लाइन शो नहीं होंगी, अभी ये लाइन शो नहीं हो रही है। हार्वेस्टर को मैं यहीं पे रोक देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, एंड इसको ओ दबा के आगे से बाहर आता है ना, हाँ पाइप आउट करने के लिए ओ दबाना है, एंड देन हम लोग ट्रैक्टर को मैं शिफ्ट कर लेंगे। ये देखो ट्रैक्टर में शिफ्ट हो गए हम लोग, एंड अभी इसको लेके जाएंगे, एंड सारा कनोला इसके अंदर लेके आएंगे। बट अभी मैं कनोला नहीं बेचूंगा, सबसे पहले हम उसका प्राइस चेक करेंगे मार्केट में कितना चल रहा है, अगर अच्छा प्राइस होगा तभी हम उसको बेचेंगे। एंड ये क्या कौवा है क्या भाई, ये डर भी नहीं रहा मेरे से, देखो भैंस की काफ़ी ज़िद्दी कौवा लग रहा है, इसे डर भी नहीं रहा बिल्कुल मेरे को, ट्रैक्टर इसके सामने है भाई सही है, बट ये अपना ट्रैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, मॉन ओके, पीछे पीछे, डन। आई गेस सब कुछ फिल हो जाएगा मेरे हिसाब से इसके अंदर, और अभी अपनी सारी फील्ड्स मेरे को वापस कल्टीवेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि नहीं आई गेस एक फील्ड को हमने कल्टीवेट कर दिया है, और उसके अंदर हाँ हमने वीट भी प्लान कर दिया है ना, हाँ भाई कर दिया हमने आई गेस, तो ये आई गेस थोड़ी दिनों में ग्रो हो जाएगी, और फील्ड को आई गेस पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस गेम में, पता नहीं, बट ये ऑलमोस्ट आ गया इसके अंदर, या हम लोगों ने सारा कनोला ट्रैक्टर के अंदर ले लिया है, और अब हम इसको जाके बेचेंगे मार्केट में। बट सबसे पहले इसका मैं प्राइस चेक करना चाहूँगा कितना प्राइस है अभी, ठीक है। हमको यहाँ पे आना पड़ेगा कोनोला में, एंड अभी चल रहा है अगस्त, नो वे गाइज अभी इसका प्राइस काफ़ी कम है यार, मतलब हमको बहुत कम प्राइस मिलेगा, मैं दिसंबर में इसको बेचूंगा, तो हम इसको ना सीधा जाके साइलो के अंदर स्टोर कर देंगे, यही गाइस बेस्ट आइडिया रहेगा। तो ये अपना साइलो है,
तो यहाँ पे हम जाके इसको स्टोर करेंगे जस्ट लाइक दिस, और आई से हमको इसको डंप करना है। तो ये बिकॉन वाला डंप हो जाएगा इसके अंदर सारा। थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, नहीं आई गेस ऑटोमेटिकली ये उसके अंदर चला जाएगा। और जब मेरे को आई गेस इससे कोनोला निकालना होगा तो भाई मैं कैसे निकालूंगा, आई डोंट नो। ओके आर से आई गेस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग कर सकते हैं। अगर मैंने आर दबा दिया तो मैं भी इसके अंदर आ भी जाएगा, बट वो बाद में हम लोग, अभी हमको इसको बेचने का भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, मैंने अभी यहाँ पे कोनोला स्टोर कर दिया है क्योंकि हम लोग बाद में बेचेंगे। अगस्त अभी चल रहा है तो दिसंबर के आसपास या जनवरी में हम लोग इसको बेचेंगे। एंड बीच बीच में ना गेम में ऐसा ब्लैक फ्लैश आ रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये गेम का ग्लिच है या पता नहीं क्या चल रही है। बट अब ये तो काम अपना हो चुका है, अभी इसके बाद मेरे को कल्टीवेशन करना है गाइस उसी फील्ड को, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो जॉन्डियर है उसको लेके चलते हैं, अपना कल्टीवेटर लेते हैं। एंड बट कल्टीवेट करने से पहले आई गेस लाइम मतलब लाइम छिड़का जाता है ना, आई गेस वैसा ही कुछ सीन है, एक बार मैं चेक करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना फील्ड में, तो हमको यहाँ पे आना पड़ेगा क्रॉप टाइप्स में, नहीं ग्रोथ में। हाँ तो ये देखो यहाँ पे कल्टीवेटेड कौन से फार्म्स है ये दिखा रहा है यहाँ पे। अपनी जो फील्ड होती है ना गाइज उसको लाइम की ज़रूरत होती है, एंड जो लाइम होता है वो हमको 3 साल में एक बार करना होता है। सो दैट्स मुझे लग रहा है ना हमको इस फील्ड को लाइम करना पड़ेगा। तो आई गेस लाइम वाली मशीन बाय करनी पड़ेगी। लाइम एंड फर्टिलाइजर आई गेस सेम ही होता है, और यहाँ पे इन अपने सारी फील्ड्स को फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। ओके बट ये कल्टीवेशन करने से पहले छिड़कना पड़ेगा या बाद में, मेरे को ये पता नहीं है। मुझे लग रहा है सबसे पहले हमको इसको ना लाइम देना पड़ेगा, देन हम लोग में भी इसको कल्टीवेट करेंगे। ओके सो मुझे लग रहा है कि हमको ना अभी लाइम लाने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसको लाइम देना पड़ेगा। बट ये लाइम किस चीज़ से होगा मेरे को उसका देखना पड़ेगा, आई एम कन्फ्यूज। सो लेट्स सी यहाँ पे लाइम कहाँ पे मिलेगा। ये रहा गाइज फर्टिलाइजर स्प्रेडर्स बोलते इस चीज़ को, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फर्टिलाइजर स्प्रेडर्स है। भाई बहुत महंगे महंगे, $25,000 वाला, $45,000 वाला है। और यहाँ पे इसका आ रहा है यहाँ पे हम लोग ओके क्या क्या छिड़क सकते हैं, मतलब यहाँ पे लाइम दिखाई दे रहा है एंड आई गेस फर्टिलाइज़र और लाइम इसके अंदर दोनों आ जाएगा। तो जो फर्टिलाइज़र और लाइम आएगा ना मेरे को वो चाहिए यार दोनों के अंदर। हाँ तो यही बाय करना पड़ेगा गाइस हमको, और इसका हम लोग कॉम्बिनेशन चेक करते एक बार। इसके साथ साथ हम लोग ये आई गेस वेट बाय कर सकते हैं, इससे होता क्या है वेट हेल्प्स टू कीप ट्रैक्टर व्हील्स ऑन ग्राउंड एंड इम्प्रूव इट्स बैलेंस। ओके तो बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमको ये वेट चाहिए होता है, बट ठीक है अभी हम लोग इसको हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आर यू सीरियस, क्या क्या होगा कस्टमाइज़ यहाँ पे, रोटेट कैमरा, ओके मैं एक्स्ट्रा वेट बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे इसका हम लोग। ओ माय गॉड हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बैक करते हैं यहाँ से, मेरे को बस ये देखो लाइम छिड़कने के लिए ही चाहिए, तो मैं इसी को बाइस बाय करने वाला हूँ, ठीक है। बट यार $45,000 से आधा पैसा तो इसी के ऊपर चला जाएगा भाई, बट आई नीड दिस, ठीक है, क्योंकि बाकी के फील्ड्स को भी लाइम करना पड़ेगा। अपने पास बाकी के कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर है, तो हाँ लाइम के लिए चाहिए होगा ये। सो या वी आर गोइंग टू बाई दिस गाइज, सो यहाँ पे आते हैं एंड इसको बाय करते हैं। अभी इसका कस्टमाइजेशन देखते हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेशन के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये एक्सटेंशन है इसका, एक्सटेंशन बढ़ा दिया तो आई गेस इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा क्या, आई डोंट नो। ओके ऊपर इसका छत ऐड हो रहा है इसका, इसका कैपेसिटी बढ़ रहा है भाई। देखो यहाँ पे ये 9000 लीटर्स है, अगर एक्सटेंशन कर दिया तो ये 14000 लीटर्स हो जाएगा, तो गाइस 2500 और लगेंगे। ये आ गाइस हम लोग ना इसको बड़ा सा लेंगे, ठीक है, मतलब एकदम फुल प्रॉपर साइज में। तो इसको लेते हैं यहाँ पे, देन हम यहाँ पे स्प्रेडिंग डिस्क ये भी बड़ी स्प्रेडिंग डिस्क लगा सकते हैं $8,000 में। वैसे भी मैं इसको बाद में भी अपग्रेड कर सकता हूँ, अभी तो देखो ज़रूरत नहीं है तो मैं खामों का पैसा स्पेंड नहीं करने वाला। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग में भी इसको यू नो यहाँ पे लगा देंगे, मतलब अपग्रेड कर देंगे, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। स्मॉल यार ये वाला अपडेट एक्सटेंशन चल जाएगा बड़ा सा, ठीक है, आई एम गोइंग विद दिस वन। तो इसको बाय कर लेते हैं, बहुत महंगा है बट बाय करना पड़ेगा गाइज, वी आर गोइंग टू बाय दिस। तो हमने बाय कर लिया अपना फर्स्ट परचेस इन द फार्मिंग सिमुलेटर 25, एक फर्टिलाइजर स्प्रेडर। एंड अभी हमको फर्टिलाइजर भी चाहिए होगा भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको फर्टिलाइजर बेस के कहाँ से मिलेगा, ओके सीड्स है एंड ये क्या है, ये फर्टिलाइजर है क्या, यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइजर भी है भाई, बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे को आई गेस सॉलिड फर्टिलाइजर ही चाहिए होगा, सो वी आर गोइंग विद दिस वन। और मेरे को आई गेस दो बैग्स तो चाहिए होंगी, अमाउंट दो बैग्स, ओके तीन बैग्स आई गेस इनफ रहेगा, ठीक है। हाँ गाइस तीन बैग्स मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, इसके लिए लगेंगे $3,800। सो लेट्स बाय दिस,
तो मैंने फर्टिलाइज़र भी बाय कर लिया। अभी मेरे को आई गेस ट्रैक्टर लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इसको मैं डिटैच कर देता हूँ अपने ट्रेलर को एंड लेट्स गो टू द शॉप। अभी ये शॉप ये कहाँ पे आएगा वैसे, मेरे को एक बार चेक करने दो, एक सेकेंड, प्रॉपर इधर से मैप चेक करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे है और हमको जाने का है शॉप में यहाँ पे, आई गेस यही अपना फर्टिल, हाँ गाइस ये देखो यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है। ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही है ना? ओके नहीं आ रही है, बट पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और इसका मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। मैं क्या इसको अपग्रेड कर सकता हूँ क्या गाइस, मेरे को ना कमेंट से बताओ गाइस, क्या मैं ट्रैक्टर के स्पीड को, ऑब्वियसली यार अगर हम लोग कल्टीवेटर को या यू नो सीडर को या फर्टिलाइज़र वाली मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ट्रैक्टर भी अपग्रेडेड होगा जिसका स्पीड ज़्यादा होगा मे बी। एंड हमको ना गाइज इन छोटी छोटी कामों के लिए ना आई गेस एक ट्रक बाय करना चाहिए, क्योंकि ट्रक के पीछे भी देखो हुक होता है, तो हम लोग ना ट्रक के पीछे भी आगे उसको अटैच करके लेके आ सकते हैं। बट अभी अपना अपने पास उतने पैसे हैं नहीं, दैट्स हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग एक पिकअप भी बाय करेंगे, ट्रक यानी कि पिकअप, वो जो फोर्ड का पिकअप होता है ना, आपने देखा होगा काफ़ी सारे अमेरिकन मूवीज़ में, तो वो वाला पिकअप ना एकदम मस्त होता है यार। एंड ये देखो अपना, ये रहा अपना भाई फर्टिलाइज़र वाला मशीन, काफ़ी बड़ा मशीन है भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पे पीछे अटैच कर देंगे। एंड अभी इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र कैसे डालेंगे, ओके रिफिल फर्टिलाइज़र, तो मैं इसको यहाँ से आर दबा के ये फिलिंग करना शुरू करूँगा मैं, और देखो ये फिल हो रहा है इसके अंदर, बट ये सारा फिल हो जाएगा ना, आई गेस हो जाएगा, क्योंकि हाँ हमने 3000 लीटर से लिया ना ओनली, और इसका कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ओके एक और बैग चाहिए मेरे को, तो एक और बैग फिल होगा, तो देखो दूसरा बैग भी यहाँ से गायब हो जाएगा देखो, एंड एक और बैग चाहिए, रिफिल करते इसको भी एंड डन आई गेस, हो गया। तो जितना भी फर्टिलाइज़र था हमने सारा ले लिया, तो इतने में हो जाएगा ना काम, अपने पास अभी लगभग 3000 लीटर फर्टिलाइज़र है। मुझे लग रहा है कि हमको और चाहिए होगा, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, शुड आई बाय मोर, क्योंकि यार मेरे को ना बाद में इधर आने का नहीं यार, क्योंकि बार बार इधर मैं ट्रैक्टर लेके आऊँगा उससे बेटर है, मुझे लग रहा है एक और बार हमको बाय करना पड़ेगा। सो वापस आते शॉप में, आई एम गोइंग टू बाय मोर फर्टिलाइजर्स गाइज। बट वेट कर, हमको लाइम बाय करना था, मैंने फर्टिलाइजर बाय करा है गाइस, तो मेरे को लाइम चाहिए था। अभी मैं इसके अंदर दोनों चीज़ें एक साथ लेके नहीं जा सकता भाई साहब, तो ठीक है यार फील को सबसे पहले फर्टिलाइज ही कर देते हैं, मतलब चल जाएगा गाइस ठीक है। तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगा अपने फार्म पे, ठीक है। यार मेरे को लाइम बाय करना था, मेरे को अभी भी लग रहा है मेरे को लाइम, गाइस एक काम करते हैं, देखो मेरे को जो चीज़ करनी है ना मैं वही चीज़ करने वाला हूँ इस फर्टिलाइजर से, आई होप। ओ ट्रैक्टर को डैमेज आया भैंस की, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे ब्लू लाइन काफ़ी नीचे आ गई, आई एम सॉरी माय ट्रैक्टर गाइस। मैं ना लाइम ही बाय करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि देखो मेरे को सबसे पहले फील को आएगा स्लाइम ही देना चाहिए। सो मैं इसको ना यहाँ पे अनलोड कर देता हूँ, मैं इसको आर से वापस अनलोड कर सकता हूँ आई गेस, नहीं नहीं टर्न अनलोड करिए, ओके आई दबाना है, ओके ईजिली अनलोड हो गया गाइस, नो प्रॉब्लम। फिर अभी ना मैं यहाँ पे लाइम बाय करता हूँ, या वी आर गोइंग टू बाय द लाइम, सो लेट्स गो एंड बाय द लाइम। तो इसका बैग ओके 4000 लीटर, सबसे पहले दो बाय करके देखते ठीक है, दो मैं बाय करने वाला हूँ यहाँ पे, तो लेट्स बाय दिस, तो $900 में हमको दो बैग्स मिल जाएंगी, तो मैंने बैग्स बाय कर लिए ठीक है लाइम की दो। एंड अभी इसको पीछे लेके चलते थोड़ा सा, अभी अगर मैंने आर दबाया तो मे भी इसके अंदर लाइम आ जाएगा, आ रहा है ना, ओके धीरे धीरे फुल हो कि गाइस लाइम ही आ रहा है, ओके ठीक है अभी अभी लाइम आ रहा है, तो एक बैग आ गया और इसके अंदर टोटल 4000 लीटर आएगा। और मुझे पता नहीं अपनी फील के लिए कितना चाहिए भाई, मैं तो ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, बट देखो मैं इसको अनलोड कर सकता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है दो बैग्स हम लोग और बाय करेंगे। अरे निकालना नहीं था भैंस की यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको वापस लोड करते हैं एंड तब तक मैं एक और फर्टिलाइजर मतलब लाइम की बैग बाय करता हूँ, दो और बाय कर लेते ठीक है, वी आर गोइंग टू बाय टू मोर, सो लेट्स बाय दिस, $900 में ये भी मिल जाएगा बाय, यस तो मैंने इसको भी परचेस कर लिया है। तो अभी जो सारा लाइम है उसको स्टोर कर लेते ठीक है, दबा के एक और आ जाएगा, तो टोटल अपने पास 8000 लीटर हो जाएगा। एंड जो बचा हुआ है वो हम लोग मे बी बाकी की, हाँ यार बेसिकली अपने पास 3-4 फील्ड्स है ना भाई, तो 4 फील्ड के लिए लाइम तो चाहिए होगा, और मुझे लग रहा है अपना फर्टिलाइज़र पूरा फुल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पीछे लेके आते, एंड अभी एक और आएगा, ये देखो, तो अपने पास टोटल कितना परसेंट हो जाएगा ये, मे बी 60%, बट पूरा फुल हो गया ये गाइज, यस
टोटल 8000 लीटर लाइम हम लोगों ने गाइस परचेस कर लिया है, एंड जो फर्टिलाइजर है हमने वो भी परचेस करा है, उसको हम लोग ना अभी बाद में लेके जाएंगे, एंड अभी हम इसको जाके सबसे पहले अपना जो फील्ड है उसको लाइम करेंगे, ठीक है। इसी फील्ड से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे एंड एआई वर्कर को हायर करेंगे। हायर वर्कर, ये देखो मैंने भी यहाँ पे वर्कर को हायर कर लिया है, तो अभी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। वैसे इनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, देखते क्या करता है ये। ओह भाई साहब, ये काफी बड़ा एरिया कवर कर रहा है फर्टिलाइजर। भाई मेरे को तो लगा ये छोटा होगा, एंड इसका भाई एक्सटेंशन विंग भी था, अगर एक्सटेंशन ऐड कर दिया 8000 में तो भाई और भी मतलब मे बी दो राउंड्स में ही कंप्लीट हो जाएगा भाई, ये तो बहुत इजी है। एंड इसमें फर्टिलाइजर पता नहीं कितना यूज़ होगा। अभी देखो ये काम तो वैसे कर रहा है, तो इसी को गाइस काम करने देते, ठीक है। तब तक के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ हम लोग एक और यू नो जॉब कर लेंगे, या मे बी मैं कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ। क्या मैं एक साथ दो दो एआई वर्कर हायर कर सकता हूँ? मे बी। गाइस एक काम करते हैं, इसको ना अटैच करते हैं, और मैं अभी ये जो ट्रैक्टर है हम लोग साइड वाली फील्ड को कल्टीवेट करेंगे। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हमने कौन से, तो एक सेकेंड गाइस मेरे को चेक करने दो, हमने किसी तो लैंड में सीडिंग भी करा था। ओके ये फार्म लैंड दिखा रहा है, ओन बाय नीड्स लाइम, ओके इसको लाइम चाहिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग लाइम दे रहे हैं। हमने किसी तो फील्ड में ना सीडिंग करा था ना, मे बी ये वाली फील्ड के अंदर, ये चेक करने दो भाई सबसे पहले। ओके गाइज, हाँ हमने यहाँ पे सीडिंग करा था, देखो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये अपना फार्म लैंड नंबर 3 है, ओन बाय यू। हमने यहाँ पे क्रॉप कोनोला प्लांट करा है और ये ग्रोविंग हो रहा है धीरे धीरे, ओके। बट इसके अंदर हमको फर्टिलाइजर चाहिए, बट अभी ये बोल रहा है कि इसको फर्टिलाइजर भी चाहिए एंड लाइम भी चाहिए, तो गाइज हम लोग ना इसको फर्टिलाइजर भी देंगे एंड लाइम भी देंगे, ठीक है। ये वाली फील्ड को अपने एआई वर्कर को मैं यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है, वो कर लेगा। तो इसको आगे लेके चलते हैं, कम ऑन जॉन डियर, एंड यहाँ पे ये काम करेगा, आई होप ये कर दे, कर रहा है, ओके। तो मैं एक साथ मल्टीपल एआई वर्कर हायर कर सकता हूँ। तो बेसिकली देखो अभी अपना ये वाला जो फील्ड है इसको हम लोग कल्टीवेट करेंगे, जो अपना साइड वाला फील्ड है यहाँ पे लाइमिंग हो रहा है, देन ये वाली फील्ड कल्टीवेट होने के बाद हम लोग यहाँ पे मे बी लाइम लगा के कल्टीवेट करके बाद में सीडिंग भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग बाद में ना इसको मे बी सीडिंग करेंगे सबसे पहले, या मे बी नहीं लाइम ही लगा देंगे, अभी ना मैं लाइन से सारे फील्ड में लाइम लगा दूंगा, एंड देन इसके अंदर हम लोग मे बी सीडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये वाले लैंड के अंदर सीडिंग करेंगे, एंड जो कि क्रॉप की ग्रोथ है उसको हम लोग अभी देखते हैं कैसा सीन है। गाइस मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मुझे प्लीज़ थोड़े से टिप्स बता दो इस गेम के बारे में। एंड उसी के साथ साथ अपना गाइस जो भी फार्म है ना, देखो ये वाला फार्म जहाँ पे अपने एनिमल्स है, अभी मुझे इनके लिए भी कुछ करना है। मे बी हमको यहाँ पे इनको खाना पानी चाहिए होगा, एक बार ना मैं इनका हेल्थ वगैरह चेकआउट करता हूँ क्या चल रहा है। एक काउ का कलर आई गेस लास्ट एपिसोड में ब्राउन था ना, अब भैंस की ये सारी काली कैसे हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। बट नेक्स्ट एपिसोड में हमको इन एनिमल्स के लिए यहाँ पे खाना पानी का गाइस व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसका दिखाई दे रहा है, हेल्थ 0% है, रिप्रोडक्शन 0% है, भाई साहब मतलब इनके पास खाना पानी बिल्कुल भी नहीं है। खाने में आई गेस हेबेल में इनको दे सकता हूँ, बट भाई हेबेल में लाऊंगा कहाँ से, आई गेस मुझे उसको भी बाय करना पड़ेगा। और पैसे के लिए गाइस मुझे ऑफ कैमरा थोड़े से और एक्स्ट्रा जॉब भी करने पड़ेंगे, तो ऑफ कैमरा मैं कुछ एक्स्ट्रा जॉब कर लूँगा फॉर सम एक्स्ट्रा मनी। एआई वर्कर जी हैज़ कम्प्लीटेड देयर टास्क, तो गाइज एआई वर्कर ने जो काम है वो कंप्लीट कर दिया। तो मेरे को ट्रैक्टर के पास, एक सेकेंड चल के कहा जा रहा हूँ मैं, भाई मैं सीधा उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर यहाँ पे जाते हैं एंड इसको एंटर व्हीकल करते हैं, एंड अभी इसके बाद ये वाले भी फील्ड है, तो मैं यहाँ पे भी जाऊँगा। अभी अपने पास और भी काफ़ी सारा लाइम अभी भी बचा है, बस ये क्रॉप ख़राब ना हो जाए यार, मेरे को इसका डर है थोड़ा सा। बट हम लोग यहाँ पे भी एआई वर्कर को बोलेंगे, इसको भी लाइम दे दियो, तो अभी देखो ये यहाँ पे भी लाइम देना शुरू कर देगा। तो मेरे को सारी फील्ड को लाइम देना है, बट ये क्रॉप्स का मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट अभी देखो अभी क्रॉप्स छोटे हैं तो मे भी ख़राब भी नहीं होंगे, तो देखते क्या होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में गाइस देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्लांटिंग वगैरह भी करेंगे। तो आज के एपिसोड को फिर ये पेंट करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सजेशन है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। पीस आउट।